तो भाई साहब क्या खूबसूरत घर बनाया यार चाइनीज लोगों के लिए। यहाँ से हम 950 मीटर पैदल जाएंगे, जमीन के नीचे पहुँच जाएंगे। और ये भी दो लिफ्ट है, इससे भी जमीन के नीचे जा सकते। कितने लोग जा रहे हैं यहाँ से? ये जमीन के नीचे से कोयला आ रहा है। कैसे भाई लोग? हाँ कोई बात नहीं, मेरा भी वही हाल चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं राइड विद बाइक। आपको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पहले बात तो हाथ जोड़ के आप लोग से सॉरी वीडियो लेट आने के लिए, पर आप लोग ने पिछले वीडियो में बहुत सारा बढ़िया प्यार दिखाया है, उसके लिए थैंक यू यार। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, क्या बोल रहा है तू वाले? ECL है, मैं जहाँ पे रहता हूँ ये वेस्ट बंगाल में। तो ECL एक कंपनी है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इसका नाम है। कोल माइन जो कोयला खदान होता है, जिसको भारत का काला हीरा बोला जाता है, कोयले को काला हीरा बोला जाता है, तो उसी के ट्रिप है। तो इसमें एड्रेस मैं नहीं बताऊँगा, रिस्पॉन्स वीडियो को देखने के बाद मैं इसका दो पार्ट बनाऊँगा। एक ये अपर साइड का हुआ, ये एक तरह से आप इसको ट्रेलर समझिए। ये परमिशन तो कोरोना के चलते अभी मुझे एंट्री करने का ही परमिशन नहीं था, पर जैसे तैसे हमने एंट्री तो कर लिया। और अब ये रिकॉर्डिंग मैंने फ़ोन से ही किया है, छिपा के मैंने फ़ोन को ये सारा वीडियो बनाया। तो थोड़ा सेकी का प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब वीडियो थोड़ा ज़्यादा हिलेगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अभी एक्शन कैमरा तो है नहीं और DSLR भी नहीं है, बस ओप्पो का फ़ोन है, उसी से रिकॉर्डिंग करता हूँ। आपने काला पत्थर पिक्चर देखा है या मूवी का नाम है जिसमें अमिताभ बच्चन रहता है, कोयला खदान के नीचे का जो दिखाते हैं? बस 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 सेम यार, वही चीज़ तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो का दो पार्ट बनाऊँगा, एक अपर साइड का होगा, एक अंडरग्राउंड का होगा। तो इस वीडियो में आप एक तरह से इसको ट्रेलर समझिए, ये अपर ग्राउंड का वीडियो रहेगा। और ये वीडियो को मैंने फ़ोन से ही बनाया था, तो वीडियो थोड़ा सेकी टाइप करेगा, थोड़ा अरेंज कर लीजिए, वीडियो थोड़ा ज़्यादा हिलेगा। तो भाई साहब आप लोग का अगर रिस्पांस बढ़िया रहा तो मैं इस पे एक तरह से ये पूरा डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाऊंगा कि कैसे कहाँ से क्या ऑपरेट हो रहा है, कैसे क्या जमीन के अंडरग्राउंड का भी और अपर साइड का भी। इस पे मैं पूरा एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का बनाऊंगा जो काफ़ी बड़ा होगा, मतलब दो दिन पे एक अपर साइड का कंप्लीट होगा, नीचे का भी दो तीन दिन लग जाएगा कंप्लीट करने में। तो मैं पूरा डॉक्यूमेंट्री टाइप का फुल डिटेल्स में बनाऊंगा, तो इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रिस्पॉन्स बढ़िया रहा तो मैं पक्का आपसे वादा करता हूँ कि इसका सेकेंड पार्ट भी बनाऊंगा। और सेकेंड पार्ट में आपको पूरे डिटेल्स में और बढ़िया से बनाऊंगा, और वीडियो भी कोशिश करूंगा कि ना हिले, तब तक शायद कैमरा भी आ जाए। तो ये खड़ी है हमारी बाइक, अब चलते हैं इससे। टाटा। तो ट्रिप टू कोलमाइन, हम अपने एक फ्रेंड के साथ जाने वाले हैं, तो चलिए आपको फ्रेंड से मिलवाते हैं। किसके साथ जाने वाले हैं? वो आगे में रुका हुआ है, हम वहीं पे जा रहे हैं, अब वहीं से चलेंगे साथ में। तो ये रहे हमारे न्यू मेंबर्स। चलें तो अभी हम अपने इलाके से निकल गए हैं, अब चलिए आगे आपको व्यू दिखाते, ग्रीनरी दिखाते। ये साइड में जंगल है हमारा, जहाँ हम रहते हैं ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो दोस्तों अब मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलूँगा, तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आपके स्क्रीन पे आईडी आ रहा होगा, मेरा इस आईडी राइड विद बाइक रजत से आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मैं किसी भी कमेंट का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है कमेंट का जवाब देने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मैं आपको 100% मैसेज का रिप्लाई करूँगा। तो अभी हम जहाँ पे ये जंगल है, जंगल के बीचों बीच ये रोड है, मेरे घर से ये करीबन 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस में जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो ये थोड़ा स्पीड वीडियो को मैं करता हूँ, तो चलिए अब आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो ये जंगल को हम अब पार करने वाले हैं, ये छोटा सा जंगल था पहले, यह बड़ा था अभी, तो सारे लकड़ी वगैरह सरकारी काटती और बारिश से भी ये झड़ उड़ के कम हो गए। तो ये फास्ट करते हुए हम अब पहुँच गए हैं नज़दीक जहाँ पे हमारा जाने का है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं लादुआ, ये छोटा सा एक गांव टाइप का ही है। तो अब इसको पार करते ही हमारा आ जाएगा जहाँ जाने का है। ये देखिए ऊपर का जो टंकी देख रहे हैं, यहीं पर हमें जाना है। तो अब स्टार्ट होता है एडवेंचर। तो पहले कैमरा छुपा लूँ, तो ये देखिए अब हम एंट्री कर चुके हैं अंदर। और ये मैं वीडियो को रोक रोक के आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ। ये मोटे मोटे बहुत से तार हैं, बहुत मजबूत होते हैं,
बहुत वोल्टेज वाले भी ये सारे काम में ही आते हैं, ईसीएल का जो कोयला वोयला का है। और ये देखिए कितना भारी सामान यहाँ पे भी है। मुझे तो नाम तक नहीं पता है कि किसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो फिर भी ये है आपके लिए, मैंने सुविधा के लिए वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके दिखा रहा हूँ। ये तो मुझे पता है ये एक रोलर है, रोलर टाइप का लग भी रहा है। अब शायद सही है कि क्या है वो तो नेक्स्ट में जब अगली बार जो वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि ये क्या है, या मैं सही हूँ या गलत हूँ, जो भी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सारा वायर वाला ही है, ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये डोजर वगैरह किरान वगैरह सारे चीज़ बड़े से बड़े गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है। और सच बताओ तो भाई मज़ा आ रहा, मस्त लग रहा है यहाँ आके भाई, क्या डेंजर मस्त मस्त गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। और गाड़ियाँ ही अभी, चलिए आगे देखते हैं और आगे भी क्या क्या हमें मिलता है। तो अब चलते हैं हम, इधर से लेते थोड़ा सा राइट, तो यहाँ भी गाड़ी है। और माय गॉड ये देखिए गजब, ये सारा ज़मीन के नीचे कोयला है कि ज़मीन के अंदर, अब सोचें तो ये सारी गाड़ियाँ जो है ज़मीन के अंदर चलती है, सोचने वाली बात है। ये कितनी वेट है, कितनी भारी भारी, कितनी बड़ी डेंजर गाड़ी है। तो ये भी देख रहे हैं आप, ये भी ज़मीन के अंदर ही चलता है। और ये फ़ोन को मैंने हाथ में पकड़ा है इसलिए थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है ये। तो देखिए ये देखने पे भी, ये टायर भी इसका देख सकते कितना बड़ा है, और ये देखने में भी काफ़ी वेट वाली गाड़ी लग रही है। तो भाई लोग चलिए और आगे भी देखते क्या क्या मिलता है, और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ पे घूमने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप घूम सकते हैं। तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं क्या मिलना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माय गॉड ये तो लोहे की टायर है, लोहे के टायर मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। और ये जो गाड़ी है ये मेरे दोस्त ने बताया कि ये करोड़ों की गाड़ी आती है, और देखने पे भी ये अंदर में ये एरोप्लेन जैसा इसका सारा चीज़ है। और इसको मेन राइडर बोला जाता है, ये इसल का मेन राइडर है। पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों को ये अकेला खींच सकता है। इसके टायर भी देख रहे, बीट देखे, टायर के बीट भी तगड़े दिए यार, ऑफ रोडिंग लगता है कि ऑफ रोडिंग टायर इसमें लगा हुआ है। और ये भी है कौन सा गाड़ी है इसको भी मैं जानता नहीं हूँ। तो दोस्तों जब मैं इस वीडियो पे पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा उस टाइम मैं बताऊंगा कि कौन सा चीज़ क्या है, कैसे काम करता है, जैसे ये आप देख रहे हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। तो अभी आगे चलते हैं। और ये देखिए राइट साइड में यहाँ पे फैन चल रहा है, मतलब आप 20 फीट की लंबाई चौड़ाई को सोच सकते हैं कि 20 फीट का लंबा फ़ैन, बड़ा सा फ़ैन है। आपने देखा नहीं होगा ये ज़मीन के अंदर से जो गर्मी होती है उसको बाहर निकालती है। यहाँ पे ये सारा लोहे का काम हो रहा है, यहाँ का जो ईसीएल का है सारा ख़राब होता है। ये है वाव, ये गजब का चीज़, ये इस पे से कोयला जाता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कोयला कैसे जाता है, कहां से आता है। और ये कोयला इस पे से जो आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ है, ऊपर से फिर ये नीचे गिरता है। नीचे वो कहां गिरता है वो आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये हो गया एडवेंचर वाला चीज़, देख रहे हैं आवाज़ कैसा कर रहा है। चलिए देखते हैं, आवाज़ की तरफ ही जा रहे हैं। और ये आवाज़ वाला भी कहीं दूर में है, ये 1-2 किलोमीटर तक सुनाई देता है इसका जो आवाज़ होता है, वो कैसे होता है वो भी देखेंगे। तो अब है यार देखिए, यहाँ देखिए आप, ये देखने वाली चीज़, ये जो कोयला और पत्थर है ये नीचे से आ रहा है, नीचे में कोयला और पत्थर विस्फोट होता है जो कटता है, वहाँ से गाड़ी से लोड होके फिर एक लिफ्ट में होता है, लिफ्ट से ये आता है, तो वहाँ से लिफ्ट में फिर इसमें डाला जाता है। नहीं समझे ना, बहुत गजब का चीज़ है ये, बाद में कभी पूरा बताऊँगा। तो इससे ये कोयला आ रहा है, ये कोयला नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से ये डंपर वगैरह ट्रक वगैरह पर लोड होके ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन से फिर वहाँ से सप्लाई चालू हो जाता है। तो ये है नीचे से। तो दोस्तों आपको ये वाला सीन कैसा लगा, ये तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे तो ये काफ़ी बढ़िया लगा यार, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा था, और नज़दीक से देखने में कुछ अलग ही मज़ा आया। तो फ़ोन पे शायद आपको ना पता चले, पर आप जब सामने आएंगे तो आपको देखने का जो फीलिंग है वो काफ़ी अलग ही रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये तो सीन देख लिया, अब चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो देख रहे हैं यहीं से वो जो भी गाड़ियाँ होती हैं यहीं से वो नीचे 950 मीटर अंदर जाती है, तो यहीं से हम लोग भी अंदर जा सकते हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए होते हैं। 950 मीटर अंदर जाएंगे तो पहुँच जाएंगे ज़मीन के अंदर। तो ये रहे हमारे गाइड, ये हमारे दोस्त, तो इनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अभी कुछ कारण से नहीं बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मेरे साथ में मिलेंगे और इनका नाम भी आप जान पाएंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं ये नीचे की तरफ ढलान टाइप का बना हुआ है, और एक एक लाइट लगा हुआ है जो आपको देख के चलने में सुविधा के लिए एक एक लाइट लगाया गया। और ये ढलान है, और ये स्लिपली तो नहीं है फिर भी ठीक है चलने के लिए, पर थोड़ा नीचे डाउन टाइप का है। तो मुझे तो एक्साइटमेंट लगा कि मैं जाऊँ यहाँ पर अभी घूम नहीं सकते अंदर, ऊपर का अलाव था, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम मैं यहीं से पैदल जाऊँगा, 950 मीटर नीचे चल के पैदल जाएंगे तब जाके कोयले खदान के अंदर पहुँचेंगे। और एक रास्ता है जाने के लिए, तो अभी हम बाहर चलते हैं, दिखाते हैं आपको दूसरा रास्ता कि और हम किस तरीके से अंदर जा सकते हैं।
पर भाई लोग उससे पहले ये देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं ना, वो जो मैंने बताया था ना, वो जो कोयला जो आ रहा था नीचे से, वो नीचे से ऊपर आ रहा, ऊपर से ये राउंड होते हुए यहाँ जो देख रहे हो आप, यहीं से ये जो देखे ट्रक वगैरह लगा है यहीं पर आके ये गिरता है, ट्रक वगैरह में लोड होता है। तो ये इस तरह घूमते हुए यहाँ से शुरू हुआ है और ये देखिए रोलर चल रहा है। ये सारे आप जो देख रहे हैं, ये रोलर जो है वो भी लोहे का, वो जो पत्ती है उस पर वो भी लोहे का बना हुआ है। कितना मोटा कितना भारी होगा आप ये इमेजिन कर सकते हैं। तो ये चल रहा है, ये सारा लोहे से चल रहा है, लोहे का वो भी है। और ये इससे घूमते हुए आ रहा है कोयला, इधर आते हुए यहाँ पे ट्रक वगैरह यहाँ पे लोड होगा। ये अभी तो खाली है जो सामने देख रहे हैं, यहाँ पे इतना सारा कोयला होता है कि रखने के लिए जगह नहीं होता है, इतना सारा नीचे से कोयला निकलता है। तो यहाँ पे बहुत सारा कोयला है, यानी हीरा हमारे यहाँ बहुत सारा है। हीरा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काला सोना बोला जाता है इसको, काला हीरा बोला जाता है, सॉरी काला सोना मैंने बोल दिया। और ये जो देख रहे हैं ना, ये एक एक चीज़ को आप 10 लोग 20 लोग भी मिल जाए ना तो इसको हिला नहीं सकते, ये इतना वेट है इसमें। और ये इसका वेट, ये जो आप मतलब ये जो देख रहे हैं, ये जो रोलर है ये सारा वेट यही उठाया, जो ये ब्लेड वगैरह चल रही पत्ती वगैरह ये लोहे का है, वो सारा वेट इस पे है। तो सोचिए आप कितना वेट है ये सारा उठाया। अब आगे चलते हैं। तो सब जगह का अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग रेस्ट रूम है। तो यहाँ पे जो बैठते हैं, जहाँ पे हम अभी खड़े होके शूट कर रहे थे, जहाँ पे कोयले वाला चल रहा था कोयला वाला, तो उनके लिए ये है रेस्ट रूम। काफ़ी ठंडा रहता है यार, मैंने पर्सनली यहाँ पे देखा काफ़ी ठंडा रहता है। ये एक तरह से बक्सा है, बैग जिसको बक्सा बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जिसमें पर्सनली एक अपना आके सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ से ये पंखा रूम इसको बोला जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा स्पेस जो देख रहे हैं, यहाँ पे फ़ैन रहता था पहले। अब चलते हैं आगे। तो रेस्ट रूम था, ये हो गया मैनेजर वगैरह साहब लोग का है, भाई क्या पता नहीं। तो ये है मेन चीज़ इस सेल का, सारा भार इसने ही उठा रखा है। ये क्या है ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रखें, और नेक्स्ट में आपको पूरे डिटेल्स में पता चलेगा। इसमें हो सकता है आपको मज़ा ना आए, पर नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ा आएगा। और जो मैं बता रहा था कि दूसरा तरीका भी है हमें ज़मीन के अंदर जाने का, तो ये रहा भाई दूसरा तरीका। और ऐसा लिफ्ट आपने अभी तक नहीं देखा, आपने लिफ्ट तो बहुत देखे हो जिसमें फ़ैन है और भी एसी वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कितने फ्लोर पर जाना क्या है वो सारा आपने देखा होगा। पर ये जो लिफ्ट है इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, इसमें आपको गेट तक देखने को नहीं मिलेगा। लोहे का लिफ्ट है, लोहे के तार से ऊपर आता है और ये ऑपरेट भी कहीं और से होता है। यहाँ से आप कोई बटन दबा के इतने फ्लोर पर जाना उतने फ्लोर पर जाना ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और ये भी दो फ्लोर है, ये जो लिफ्ट आया इसमें दो फ्लोर लिफ्ट है, एक ये फ्लोर है एक ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ, अभी कैमरे को छुपाया हूँ। तो ये पहले वाले में देख रहे हैं, ये पहले वाले में लोड हो रहे हैं, मतलब एक बार में इसमें कम से कम 25-30 आदमी चल जाते हैं, जबकि ये लोहे का है और गेट भी नहीं है फिर भी। और ये सारा सामान लेके देखिए, एक ऊपर वाला जो सीढ़ी देख रहे हैं ये ऊपर वाला लिफ्ट है, मतलब दो फ्लोर लिफ्ट है। देखा होगा आपने ऐसा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये लिफ्ट से भी नेक्स्ट टाइम अंदर जाएंगे, पर पहले तो भाई मैं नेक्स्ट टाइम सही बताऊं तो मुझे पैदल चल के ही जाना है, क्योंकि ढलान है तो पैर में भी दर्द नहीं होगा। आने के टाइम जब नीचे से आएंगे तो उस टाइम हम ये वाला लिफ्ट से आएंगे, तो उस टाइम इसका वीडियो बना लेंगे और पैदल जाने के टाइम पैदल का नीचे जाने का वीडियो बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं क्या है। तो अभी थोड़ा धीरे धीरे चल रहा, तो चलिए शायद कैमरे में कैद हो जाए, कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। हाँ ये देखिए थोड़ा सा आ रहा है यहाँ पे सीन। तो देखिए ये जो लिफ्ट है, देखिए ये धीरे 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 नीचे जा रहा है, देखिए ये है, इसी पे इसका वजन है, इसी से ये नीचे जाता है। तो यहाँ से है, और कहीं कहीं होता है कि एक में लोग जा रहे हैं और एक से कोयला ऊपर आ रहा है, तो ऐसा भी होता है। तो ये आप ये जो देख ले, इधर ये जो सामने में बड़ा सा घर दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये थोड़ा सा और मैं आगे चलता हूँ। यहाँ आप देखिए एक ये जो ब्लैक है, यहाँ से एक वायर गया है, यहीं से ये वायर से राउंड होता है, यहीं से ऑपरेट हो रहा है वो लिफ्ट ऊपर नीचे जाने के लिए। तो यहीं से वो आप देख सकते हैं। तो भाई चलिए अब आगे चलते हैं, दबे पाओ देखते हैं कि जहाँ से ऑपरेट हो रहा है उनका ऑफिस कैसा है, किस तरह से दिक्कत। तो अरे यार गजब का है ये, दो देख रहे बड़ा सा, उसी में ये सारा वायर राउंड हो रहा है, उसी से ये ऊपर नीचे ऑपरेट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको इसमें कैंटीन भी एक देखने को मिलेगा, कैंटीन भी सही है, ठीक ठाक है। तो सुबह का 9:30 बज रहा था, तो मैं तो दबा के नाश्ता करके निकला था, पर मेरे भाई दोस्त ने तो कुछ नहीं किया था। तो चलिए कैंटीन दिखाने के चलते उनका 5-10 रुपये खर्च भी हो गया चाय पी रहे। उन्होंने मेरे से पूछा पिएगा नहीं, भाई मैं तो पीऊँगा नहीं, मैं तो खा के आया हूँ। तो ये रहा मैं, ये रहा मेरा दोस्त। अब चलिए आपको दिखाते कैंटीन,
तो ये कैंटीन वो फिर भी यार सही है, कोयला निकलता है, धूल मिट्टी है, फिर भी बहुत बढ़िया सफाई है। आपको एसी भी देखने को मिलेगा, फैन भी देखने को मिलेगा। आइए कैंटीन का मज़ा लीजिए, खाइए चाय कॉफ़ी सारा चीज़ें, और दिखाते हैं आपको कि इस कैंटीन में क्या क्या मिलेगा। तो आप देखिए मेन्यू बार, और यहाँ पे प्राइस भी है साथ में, तो ये देख लीजिए क्या क्या ऑमलेट है, फिश करी सारा चीज़ मिलेगा। और मैक्सिमम इसका प्राइस कितना जा रहा है, 30 रुपये, वो भी राइस दाल सब्जी भाजा ये सारा लेके 30 रुपये। तो अच्छा है यार, एसील वाले इतना कमाते हैं फिर भी उसके हिसाब से अच्छा है। और यहाँ पे यार मुझे देख के पर्सनली काफ़ी अजीब सा लगा, ये देख रहे ये सारा में सबका सामान रखा हुआ है, कपड़ा वगैरह जो भी है, नाश्ता वगैरह जो लाते हैं, सब में ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। तो ऐसा आपने देखा है, ऐसा होता है रखने के लिए जगह एसील में। तो चलिए एक राउंड तो हो गया है, सब तरह से मोटा मोटी हमने थोड़ा बहुत तो कवर कर ही लिया है ऊपर ऊपर छुपाते हुए। अब चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं, और ये बाहर में देख सकते हैं बाहर में भी कोयला, और ये यहीं पे जो पार्किंग है, पार्किंग में यहाँ भी डंपर वगैरह ट्रक वगैरह लगे हैं कोयला लोड होके ट्रेन के पास सप्लाई देने के लिए। और ये जो येलो टाइप का आप घर देख रहे हैं, यहाँ पे बारूद बम वगैरह रहता है, विस्फोटक सामान जो रहता है ये बाहर है। और ये देखिए ये सारा इतना सारा ट्रक वगैरह है लोड के लिए, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी कम है, कोरोना चलते लॉकडाउन चल रहा है तो अभी कम है। फिर भी ईसीएल में यहाँ तो अभी बंद नहीं है, फिर भी काम चालू है। अब आगे चलते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं। ये तो दो जगह आपने देखा कि ट्रक लगे हुए, और भी आगे ट्रक है। ये बाहरी इलाका है, बाहर साइड से ये रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट किया हूँ, तो ये आप देखिए। और ये यहाँ पे तो ये बाहर से आगे ये देखिए यहाँ भी ट्रक वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पे तो भाई एक दो फोटो बनता है, तो हमने एक दो क्या तीन फोटो ले लिए। और यहाँ पे है चाइना से जो आते हैं नीचे में जो गाड़ी वगैरह होता है, वो सिर्फ चाइनीज़ वाले लोग ही चलाते हैं, मतलब मैक्सिमम चाइनीज़ वाले चलाते हैं। तो उनके लिए टेंडर होता है, तो उनके लिए स्पेशल ये बना हुआ है जिसमें एसी वगैरह क्वार्टर दिया गया है, एसी वगैरह टाइप का बना हुआ है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इंडिया वाले हैं, इंडिया के लोग हैं, उनको किस तरह का दिखाया गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।